नमस्कार, मैं सोहेल सिद्दीकी खबर एसएस के न्यूज रूम से। देखिए खबर एसएस की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आदिवासियों की समस्या को लेकर पिछले कई वर्षों से इनके पिछड़ेपन को कम करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने एक सभा का आयोजन करवाया। देखिए कैमरामैन अमित के साथ खबर एसएस के लिए साउद सिद्दीकी की भोपाल से एक रिपोर्ट। पार्टी ने आज आदिवासी संवाद रखा है, जिसमें हमारे आदिवासी क्षेत्रों के मुख्य प्रतिनिधि और हमारे प्रत्याशी यहाँ पर आए हैं। आदिवासी क्षेत्रों की स्थिति पर चर्चा की जा रही है। बिल्कुल साफ है कि आदिवासी क्षेत्रों में पिछले सालों में तमाम सरकारों ने कोई ठोस काम नहीं किया है। ये क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। तमाम भ्रष्टाचार के कारण जो इन क्षेत्रों के लिए पैसा आया वो पैसा नहीं लगा है। कानूनी प्रावधान पैसा जैसे कानून और वन अधिकार कानून होने के बावजूद लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं। इन सब को लेकर आम आदमी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, जिसमें हम लोग साफ कह रहे हैं कि पेशा कानून जो आदिवासियों के संरक्षण के लिए बना है उसको लागू किया जाना चाहिए। संविधान की 5वीं अनुसूची का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। वन अधिकार कानून के तहत लाखों लोगों के जो पट्टे नहीं बने हैं वो पट्टे दिए जाने चाहिए। वनोमोक्ष के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कोई भी विस्थापन आदिवासी क्षेत्र में बिना सहमति के नहीं होना चाहिए। ऐसी तमाम बातों को लेकर आज एक विस्तृत घोषणा पत्र हम जारी कर रहे हैं और हमारा संकल्प है कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आदिवासी क्षेत्र के लिए संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी और मध्य प्रदेश के करोड़ों आदिवासियों को न्याय दिलाया जाएगा। अभी आदिवासी जगहों पे ज़मीनों पे कब्जा करके रखा है। जी देखिए, ज़मीनों पर बड़ी बड़ी पूंजीपतियों ने कब्जा कर रखा है। बहुत सारी जगह आदिवासियों की ज़मीनें छीन ली गई हैं और उन पर कोई विकास कार्य नहीं हुए। जहाँ जहाँ ज़मीनें छीन ली गई हैं और कोई विकास कार्य नहीं हुए, कानूनन 5 साल के बाद वो ज़मीनें वापस होनी चाहिए। वो सारी ज़मीनें आदिवासियों को वापस दी जाएंगी। ठीक, थैंक यू।